ट्रिक को लेकर बड़ा खुलासा। तो एक महीने में रिजवान के खाते में आए 8 लाख रुपए। तो गुमनाम शख्स ने खाते में ये पैसे डाले थे। रिजवान के राजनीतिक लोगों से भी संबंध, सूत्रों के वाले से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक महीने में रिजवान के खाते में 8 लाख रुपए आए हैं। ये 8 लाख रुपए आखिर किसने डाले हैं, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन अभी तक की जानकारी में सामने आया कि एक महीने के अंदर एक कितनी बड़ी राशि जो है वो रिजवान के खाते में आई है। गुमनाम शख्स ने खाते में ये पैसे डाले थे और लगातार रिजवान से जो है वो पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो पूरा मामला भी आपको बता रहे, तो हवाला के बड़े कारोबार का संदेह है और इस बात को रिजवान ने भी जो है वो यहां पर कबूला है। और अब एक और बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर हुआ है, जिसमें एक महीने के अंदर रिजवान के खाते में 8 लाख रुपए किसी गुमनाम शख्स ने डाले हैं और राजनीतिक संबंध भी जो है वो रिजवान के बताए जा रहे हैं। संवाददाता अनुराग का सीधा रुकल रहते हैं। अनुराग, ये पूरा मामला जो है वो लगातार उलझता नजर आ रहा है और अब एक और बड़ा खुलासा, एक महीने में खाते में 8 लाख रुपए कहां से आए, किसने डाले, ये बड़ा सवाल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए यह मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है और धीरे धीरे एक के बाद एक परत खुलती जा रही है। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो जो उनका अभी तक जांच की थी उसमें यह पता चला है कि हवाला कारोबारी तो रिजवान था ही था, अलग अलग देशों से उसके पास पैसे आते थे। ये पैसे किस लिए दिए जाते थे अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। और अगर एक महीने के अंदर 8 लाख रुपए अगर भेजे जाते हैं वो भी किसी गुमनाम शख्स के द्वारा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि रिजवान कोई भी काम नहीं करता था, उसका परिवार कोई काम नहीं करता था, उसके बावजूद उसके महीने का जो खर्चा था वो 2 लाख रुपए महीना था। यानी बच्चों के पढ़ाई के ऊपर और खाने पीने के ऊपर जो कुछ भी था वो 2 लाख रुपए था। तो 2 लाख रुपए का खर्चा उस व्यक्ति के लिए जो कि कोई काम ना करता हो, ये भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। इसीलिए पुलिस इन सारे मामलों पर, इन सारे सूत्रों पर जांच कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में और भी बड़े बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, बैंक से सीसीटीवी मुहैया कराने की बात भी यहाँ पर की गई है पुलिस की तरफ से, तो वो कब तक मुहैया यहाँ पर होगी। और साथ ही साथ राजनीतिक संबंध की भी जानकारी सामने आ रही कि सूत्रों के हवाले से कि रिजवान के कई राजनीतिक लोगों से संबंध भी थे। देखिए, रिजवान को राजनीतिक संबंध से इसलिए जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तब उसके पास जिस तरह से सपा विधायक इरफान सोलंकी के प्रमाणित किए हुए लेटर हेड मिले थे, उसके बाद से पुलिस चौकन्नी हो गई थी। और धीरे धीरे अब जो जांच है वो इस तरफ भी बढ़ रही है कि रिजवान जब अलग अलग शहरों में जाता था, बड़े बड़े लोगों पर पैसा खर्चा करता था, तो वो बड़े बड़े लोग कौन थे? आखिर इतने सालों तक राजनीतिक संरक्षण के बिना किस तरह से वो इधर से उधर जाता रहा, उसके पासपोर्ट बनते रहे, उसके आधार कार्ड बनते रहे, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसीलिए पुलिस इस पूरे इसी लाइन पे काम कर रही है, इसी लाइन पे जांच कर रही है और बहुत ही जल्द बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा मामला रिजवान का उलझता हुआ नजर आ रहा है, एक के बाद एक बड़े नए खुलासे यहां पर हो रहे हैं। और अब नए खुलासे के जरिए ये सामने आया है कि उसके एक महीने में 8 लाख रुपए जो खाते में आए हैं वो कहां से आए हैं, क्योंकि जबकि रिजवान कोई काम ही नहीं करता था। और अब ग्रेटर नोएडा से